फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आईटीआर भरने की अंतिम तिथि नहीं पड़ेगी, वित्त मंत्रालय ने कहा रात 12 बजे तक हर हाल में करें दाखिल। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कम रिटर्न दाखिल होने और पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर स्ट्राइक, स्वास्थ्य मंत्री से मिला आईएमए प्रतिनिधि, मिला 6 जनवरी से पहले काउंसलिंग शुरू कराने का आश्वासन। नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने और हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों पर कथित बर्बरता के लिए दिल्ली पुलिस से माफी मंगवाने के लिए दिल्ली में जारी डॉक्टरों की हड़ताल के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की थी। आईएमए ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग 6 जनवरी 2022 से पहले शुरू हो जाएगी और डॉक्टरों पर कोई एफआईआर भी नहीं की जाएगी। आईएमए ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। डॉक्टरों को दिल्ली पुलिस से एफआईआर वापस लेने का आश्वासन मिल गया है, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने 15वें दिन अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए हैं। सुकमा में नक्सली और कोबरा फोर्स के बीच मुठभेड़, आईआईडी की चपेट में आकर एक कमांडो घायल हुआ। नक्सलवाद की समस्या से छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आने वाले सुकमा जिले में शुक्रवार को कोबरा फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को नक्सलियों और कोबरा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आईईडी की चपेट में आने से एक कमांडो के घायल होने की खबर है। सीआरपीएफ के आईजी डी प्रकाश ने शाम 5 बजे के आसपास बताया कि सुकमा के किस्तरम पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र में कोबरा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। एक जवान घायल हुआ है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाल लिया गया है। पुलिस एडवाइजरी, कल सुबह 10 बजे से इंडिया गेट पर वाहनों के जाने पर रोक। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इंडिया गेट और उसके आसपास सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण इंडिया गेट आम जनता की यात्रा के लिए बंद है। ऐसे में पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट पर आने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए इंडिया गेट समेत नई दिल्ली के कई इलाकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए नए वर्ष के पहले दिन सुबह 10 बजे के बाद इंडिया गेट पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इंडिया गेट पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए आम लोगों के लिए भी इंडिया गेट बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग नए वर्ष के पहले दिन इंडिया गेट आने से बचें। इन फोकस न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।